टूनी बहुत ही गरीब चिड़िया थी। किराया न दे पाने के कारण उसका मकान मालिक उसे घर से बाहर निकाल देता है। तब टूनी एक छोटा सा घोंसला डालकर अपनी बेटी के साथ उसमें रहने लगती है। एक दिन, माँ मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है, सुबह से तुमने मुझे कुछ खाने को नहीं दिया। बेटा, घर में खाने को एक भी दाना नहीं है, मैं तुझे कहाँ से खाना खिलाऊं? तू रुक, मैं पड़ोस में जाकर देखती हूँ, अगर कुछ खाने को मिल जाए तो। टूनी अपनी पड़ोसन के घर जाती है। मेरी बेटी भूखी है बहन, कुछ खाने को हो तो दे दो। अरे तुम यहाँ भीख मांगने आई हो? मुझे तुम्हें भीख देने के लिए कुछ भी नहीं है। भरी जवानी में अपने पति को खा गई, तुम्हारी तो परछाई भी किसी पर पड़नी नहीं चाहिए। जल्दी हटो मेरे दरवाजे से। बहन, मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो? भूखे को खाना खिलाना तो पुण्य का काम होता है। मुझे ऐसा पुण्य नहीं चाहिए, जल्दी हटो मेरे दरवाजे से, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। बहन लाओ, मैं तुम्हारा काम कर देती हूँ, पर मुझे खाने को कुछ दे दो। देखो मैं तुमसे कह रही हूँ ना, तुम यहाँ से जाओ। तुम हटती क्यों नहीं? नहीं तो मैं अभी पुलिस को बुला लूँगी। नहीं नहीं बहन, पुलिस नहीं बुलाना, मैं जा रही हूँ। टूनी दुखी मन से वापस घर लौट आती है। बेटा, इस जमाने में गरीबों की मदद कोई नहीं करता, चल मैं तुझे लेकर जंगल में चलती हूँ, वहीं कुछ मिल जाएगा तो तुझे खिला दूंगी। अगर आज तेरे पापा जिंदा होते तो आज तेरी हालत ऐसी ना होती। टूनी टुनटुनी को लेकर रोती हुई जंगल में जाती है। वहाँ एक साधु ध्यान लगाए हुए बैठा था। महात्मा जी, मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत गरीब हूँ और बहुत दुखी भी हूँ। घर में खाने पीने को कुछ भी नहीं है, मेरा घोंसला भी टूटा फूटा है। महात्मा जी, आप मेरी मदद करिए। साधु अपनी आंखें खोलता है। बेटी, अब तुम्हारे दुख के दर कट गए, मैंने तुम्हारी सारी बातों को सुन लिया है। ये रहा जादुई मिट्टी, इससे जाकर एक मिट्टी का घर बनाओ। घर बनते ही तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। और ये लो फल, इसे तुम और तुम्हारी बेटी खा लो। इसे खाकर इसका बीज अपने आंगन में लगा देना। ये जादुई फल है, ये सालों साल तुम्हारे पेड़ पर लगे रहेंगे। फिर उसे बेचकर तुम खुशी खुशी अपना गुजारा कर सकते हो। टूनी फल और मिट्टी लेकर अपनी बेटी के साथ अपने टूटे फूटे घोंसले के पास आती है और वहीं साधु की दी हुई मिट्टी से घर बनाती है। मम्मी, ये घर कितना सुंदर है। हाँ बेटा, अब हम लोग इसी घर में रहेंगे। फिर दोनों फल खाती हैं और उसका बीज नीचे आंगन में लगा देती हैं। अगले दिन जब टूनी सोकर उठती है तो वो देखती है। अरे, मैंने जो कल बीज लगाया था उससे विशाल पेड़ उग गया है और इस पर बहुत सारे फल भी लग चुके हैं। मैं अभी इन फलों को तोड़कर जंगल जाकर बेचूंगी। टूनी फलों को तोड़कर जंगल में बेचने लगती है। अब टूनी के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। माँ, जंगल में अगर वो साधु नहीं मिलते तो आज ये मिट्टी का घर भी नहीं होता। हाँ बेटा, एक दिन फिर से हम जंगल में चलेंगे और उस साधु का धन्यवाद करेंगे। चल टुनटुनी, बातें करना छोड़ और चल के खाना खा ले। हाँ माँ, अभी आई। इस तरह टुनटुनी और टूनी खुशी खुशी मिट्टी के घर में अपना जीवन बिताने लगती है। दोस्तों, कल के लकी विनर से एक जंगल में टुनटुनी नाम की गरीब चिड़िया रहती थी। वो मिट्टी के खिलौने बनाकर जंगल में पक्षियों को बेचा करती थी, लेकिन उसके खिलौने ज्यादा अच्छे नहीं होते थे। एक दिन वो टोकरी में खिलौने बनाकर जंगल में बेचने के लिए जाती है। खिलौने ले लो, खिलौने मिट्टी के खिलौने ले लो, हाथी घोड़ा चिड़िया और बंदर ले लो, खिलौने सुंदर सुंदर ले लो। तभी बबली कबूतरी अपनी बेटी के साथ वहाँ पर आती है। माँ, मुझे मिट्टी का खिलौना दिलवा दो ना, कितनी अच्छी है। नहीं बेटा, कितने बेकार खिलौने हैं, मैं तुझे आगे से अच्छा वाला खिलौना दिलवा दूंगी। बबली बहन, ले लो ना खिलौना, मैं सस्ते दाम में दूंगी। लेकिन बबली कबूतरी मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। अब सुबह से रात हो जाती है, टुनटुनी का एक भी खिलौना नहीं बिकता है। सुबह से शाम हो गई है, एक भी खिलौना नहीं बिका और मैं घर वापस भी नहीं जा सकती। 3 दिनों से खाना नहीं खाया है मैंने, आज तो भूखा सोना पड़ेगा। तभी उसके पास में एक कालू कौवी की दुकान थी। वो टुनटुनी से कहता है। क्या हुआ टुनटुनी बहन, आज फिर तुम्हारे खिलौने नहीं बिके? मेरा तुम्हारी मदद करने का बहुत मन करता है, पर मैं मजबूर हूँ। मेरे बीवी बच्चे हैं, इन पैसों में उनका ही पूरा नहीं हो पाता है। कोई नहीं कालू भैया, आपने मेरे बारे में सोचा, यही काफी है मेरे लिए।
ये कहकर टुनटुनी अपने घर जाने लगती है। तभी उसे जंगल में पीछे से अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। ये सुनकर टुनटुनी डर जाती है। टुनटुनी बेटा इधर आओ, टुनटुनी इधर आओ मेरे पास। जैसे ही टुनटुनी चिड़िया पीछे मुड़ती है, वो वहाँ पर एक बूढ़ी सी टूनी चिड़िया को बैठा हुआ देखती है। आप कौन है, यहाँ पर क्या कर रही है? बेटा मेरा नाम टूनी है, मैं पास वाले जंगल में रहती थी, वहाँ मेरा घर जल गया, अब मैं अकेली हूँ, क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ? माँ जी मैं आपको अपने साथ तो ले जाऊंगी, लेकिन मेरे पास कुछ खाने के लाले हैं। मैं आपको क्या खिलाऊंगी, लेकिन फिर भी आप मेरे साथ चल सकती है, यहाँ अकेला जंगल में रुकना ठीक नहीं होगा। टुनटुनी टूनी को अपने साथ अपने घर ले जाती है। बेटा मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, जरा कुछ खाने के लिए बना देती हूँ, देखती हूँ किचन में कुछ मिल जाए। पर मेरी किचन में कुछ भी नहीं है, मैं खुद दो दिन से भूखी हूँ माँ जी। फिर भी टूनी चिड़िया की आत्मा किचन में जाती है और अपने असली रूप में आ जाती है और जादू से सारे डिब्बे खाने से भर देती है। बेटा देखो तुम्हारे किचन में तो बहुत सारा सामान रखा है। टुनटुनी ये देख कर हैरान हो जाती है, लेकिन वो भूख की वजह से ज्यादा ध्यान नहीं देती और खाना खाकर सो जाती है। तभी रात में टूनी चिड़िया की आत्मा घर से बाहर निकलती है और अपने जादू से आंगन में पड़ी मिट्टी से टुनटुनी के लिए सारे खिलौने बना देती है। वो एक अच्छी चिड़िया की आत्मा थी। अगली सुबह, माँ जी ये देखिए कितने सुंदर खिलौने हैं, ये आपने बनाए हैं? हाँ बेटा, मेरे पति को भी मिट्टी के खिलौने बनाने का शौक था, उन्होंने ही मुझे ये बनाना सिखाया है। अब टुनटुनी चिड़िया वो खिलौने लेकर बेचने के लिए बाजार जाती है। थोड़ी ही देर में वो सारे खिलौने बिक जाते हैं। ये देखकर कालू कौआ उससे जलने लगता है। ऐसा क्या हो गया, एक दिन में इस टुनटुनी के खिलौने इतने सुंदर कैसे बन गए, मुझे पता लगाना होगा। अब वो रात में टुनटुनी के घर जाता है। तभी वो देखता है टूनी चिड़िया की आत्मा अपने जादू से मिट्टी के खिलौने बना रही है। ये देखकर वो डर जाता है। भागो रे भागो भैया भागो चिड़िया की आत्मा। अगले दिन वो जंगल के पक्षी और जादूगरनी के साथ टुनटुनी के घर आता है। अरे टुनटुनी बाहर निकलो, घर से बाहर आओ। क्या हुआ है भैया, आप इतना चिल्ला क्यों रही हैं? टुनटुनी कल रात कालू कौवे ने तुम्हारे यहाँ एक चिड़िया की आत्मा को देखा है, कहाँ है उसे घर से बाहर निकालो, कहाँ छुपा रहा है? कालू कौवा वो औरत बहुत अच्छी है, वो कोई चिड़िया की आत्मा नहीं है। माँ जी बाहर आइए, देखिए ये सब आपको क्या बोल रही है। टूनी चिड़िया बाहर आती है। जादूगरनी उससे पूछती है, कौन हो तुम, यहाँ पर क्या कर रही हो, बता तू चिड़िया की आत्मा है ना, मैं जानती हूँ। कौन मैं? भूत नहीं, मैं तो पास वाले जंगल में रहती हूँ। अच्छा अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जादूगरनी टूनी चिड़िया की आत्मा पर गंगा जल डालने लगती है। टूनी चिड़िया की आत्मा अपने असली रूप में आ जाती है। क्या कर रही हो, मुझे दर्द हो रहा है, जाने दो, मैं किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूँ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ठीक है मैं सच सच बताती हूँ, जादूगरनी रोको नहीं, दर्द हो रहा है, उन्हें अपनी बात बोलने का मौका तो दीजिए। मैं पूछती हूँ, माँ जी आप चिड़िया की आत्मा है, आपने हमेशा मेरी मदद की, पर आपने मुझे बताया क्यों नहीं? बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे सच छुपाया, मेरी एक बेटी थी बिल्कुल तुम्हारी जैसी, मैं उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन बीमारी की वजह से उसकी मौत हो गई, उसकी याद में मैंने खुदकुशी कर ली और एक आत्मा के रूप में इधर उधर भटकती रही। जब उस रात मैंने तुम्हें परेशान देखा तो मुझे अपनी बेटी की याद आ गई, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रही थी, इसके अलावा मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती थी। ये सुनकर सबकी आंखों में से आंसू निकलने लगते हैं। टुनटुनी रोते हुए कहती है, माँ आप परेशान मत होइए, मैं भी आपकी बेटी जैसी हूँ। हाँ बेटा मुझे तुम्हारे रूप में अपनी बेटी मिल गई, मुझे अब और क्या चाहिए, मैं चलती हूँ, बस तुम ध्यान रखना, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं तुम्हारे पास मिलूंगी। ये कहकर टूनी चिड़िया की आत्मा
वहाँ से चली जाती है। तो ये थी आज की कहानी। क्या आपको पता है टुनटुनी क्या काम करती थी? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत साल पहले एक जंगल में बरगद के पेड़ पर टूनी चिड़िया अपने पति बबलू चिड़ैया के साथ खुशी खुशी रहती थी। एक दिन वहाँ पर एक सांप रहने के लिए आ जाता है। वो पेड़ के गड्ढे में रहता था। जब भी टूनी चिड़िया अपने अंडों को घोंसले में छोड़कर जाती थी, वो सांप उसे खा जाता था। सुनो बबलू चिड़ैया, ये सब क्या है? ये सांप रोज हमारे बच्चे को खा जाता है। मैं तंग आ गई उससे। तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? टूनी चिड़िया, मैं क्या करूं? हम उस सांप के आगे बेबस हैं। वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, हम उसका सामना नहीं कर सकते। तो फिर क्या करें? अपने बच्चों को उसका शिकार बनने दें? मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। तुम्हें पता है मुझे कितना दर्द होता है अपने बच्चे को खोने का? चलो एक काम करते हैं, हम इस जंगल को छोड़कर कहीं और रहने के लिए चलते हैं। टूनी चिड़िया, तुम सही कह रही हो। अब बस यही आखिरी रास्ता है जिससे हम अपने बच्चों को बचा पाएंगे। अब टूनी चिड़िया बबलू चिड़ैया उस जंगल से जाने लगते हैं। तभी कालू कौवा वहाँ पर आता है। टूनी बहन, क्या हुआ? तुम दोनों कहाँ जा रही हो? इतने परेशान क्यों हो? कोई बात है तो मुझे बताओ। कालू भैया, क्या बताएं? हम जिस पेड़ पर रहते थे वहाँ एक सांप आ गया है। वो हर बार हमारे अंडों को खा जाता है। हम उसका सामना भी नहीं कर पाते हैं। वो हमसे ताकतवर है। टूनी बहन, हर परेशानी का हल भागना नहीं होता है। अगर आप बलशाली नहीं है तो उसे दिमाग से हराने की सोचिए। मैं आपको एक प्लान बताता हूँ जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अब कालू कौवा टूनी चिड़िया और बबलू चिड़िया को प्लान बताता है। वो ये सुनकर बहुत खुश होते हैं। अगले दिन टूनी चिड़िया रानी के महल में जाती है। वो रानी के एक हार चुरा कर उड़ने लगती है। सिपाहियों, पकड़ो इस चिड़िया को, इसने मेरा बेशकीमती हार चुराया है। मुझे मेरा हार वापस चाहिए। अब सिपाही टूनी चिड़िया का पीछा करने लगते हैं। टूनी चिड़िया वो हार जहाँ सांप रहता था वहाँ डाल देती है। सिपाही उस गड्ढे के अंदर डंडा मारने लगते हैं। तभी सांप बाहर आता है। कौन है जो मुझे परेशान कर रहा है? तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। तभी सिपाही उस सांप पर भाले से हमला करते हैं। सांप वहीं मर जाता है। फिर टूनी चिड़िया और बबलू चिड़ैया अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहते थे।